सौ साल पहले शिरडी में सदगुरु साईनाथ महाराज का सहवास चंद साई भक्तों को मिला। इनमें कुछ स्थानीय भक्त रहे। मुंबई, हरदा, नागपुर, कहां कहां से भक्त लोग बाबा के पास आते थे। उस जमाने में विदेश में पढ़े सॉलिसिटर काका साहेब दीक्षित, जज अण्णा साहेब दाभोलकर, नागपुर के श्रीमंत गोपालराव बुटी जैसे परम भक्तों को सौ साल पहले साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन पाने का मौका मिला, साथ ही साई के सानिध्य में रहने का भी मौका मिला। आज हम शिरडी टुडे के माध्यम से 53 परम भक्तों की संक्षिप्त में जानकारी साझा कर रहे हैं, जिनकी प्रतिमाएं साई बाबा समाधि मंदिर में स्थापित की गई है। तकरीबन 150 साल पहले एक युवा फकीर शिरडी के पुरातन खंडोबा मंदिर में आ गया। मंदिर के पुजारी मालसापति ने युवा फकीर के असामान्य व्यक्तित्व को देखकर आओ साई कहकर पुकारा और उसी पल से मालसापति साई बाबा के परम भक्त बन गए। उन्होंने जिंदगी भर बाबा की सेवा की। बायजाबाई गणपति कोते। बायजाबाई और साई बाबा का भाई बहन का रिश्ता बना। बायजाबाई साई बाबा को रोटी खिलाती थी। बायजाबाई के पुत्र तात्या पाटिल कोते भी बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने भी जिंदगी भर बाबा की सेवा की। साई बाबा को तात्या पाटिल मामा कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को निर्वाण समय साई बाबा ने 9 चांदी के सिक्के दिए। भागोजी शिंदे शिरडी के ग्रामवासी थे। साई बाबा ने अपने हाथों से उन पर इलाज किया। जब बाबा द्वारका माई से लेंडीबाग जाते थे तब भागोजी शिंदे बाबा के सिर पर छाता पकड़ते थे। बयाजी अप्पा कोते पाटिल 15 अक्टूबर 1918 के दिन दोपहर 2:30 बजे के दरमियान द्वारका माई में बाबा ने बयाजी कोते पाटिल के गोद में अपने प्राण त्याग दिए। ये है भाऊ महाराज कुंभार, बाबा के परम भक्त। भाऊ महाराज बच्चों पर खासा प्यार करते थे। उनका 1948 में देहांत हुआ। उनकी समाधि साई मंदिर परिसर में है। साई मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ भाऊ महाराज की पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। बाला काशीराम शिंपी, बाबा के परम भक्त काशीराम शिंपी के पुत्र, साई बाबा के पहले चौकीदार। जब बाबा लेंडीबाग जाते थे तब बाला शिंपी छड़ी लेकर बाबा के आगे चलते थे। रामचंद्र दादा कोते पाटिल शिरडी के ग्रामवासी। रामचंद्र दादा ने साई बाबा के निर्वाण के बाद हुए विवाद में अहम भूमिका निभाई और बाबा की समाधि बूटी भाड़े में होने में अहम निर्णय लिया। नंदराम मारवाड़ी, साई बाबा नंदराम के घर भिक्षा मांगने जाते थे। उनका घर द्वारका माई के नजदीक है। श्यामा देशपांडे, बाबा के परम भक्त। श्यामा द्वारका माई से सटे सरकारी प्राथमिक स्कूल में अध्यापक थे। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बाबा की लीलाएं देखकर उनके परम भक्त बने। अहमदनगर के व्यापारी दामोदर रासने, बाबा के परम भक्त। संतान होने के उपलक्ष्य में दामोदर रासने ने रामनवमी को द्वारका माई के ऊपर झंडा लगाया। आज भी यह परंपरा शुरू है। उनके दो पुत्र त्रंबक और नाना साहेब रासने को भी बाबा का सहवास मिला। दासगणु महाराज, ब्रिटिश जमाने में बाबा के आदेश से पुलिस की नौकरी छोड़कर कीर्तन के माध्यम से थाने मुंबई नांदेड़ इलाके में दासगणु महाराज ने साई बाबा का प्रचार प्रसार किया। रिटायर्ड जज अण्णा साहेब दाभोलकर 1908 के दरमियान शिरडी आए। बाबा की लीलाओं से प्रभावित होकर उन्होंने बाबा की आज्ञा से साई सच्चरित्र ग्रंथ लिखा। बाबा ने उनका हेमाड पंत नामकरण किया। आत्माराम कुलकर्णी, इनके ऊपर पैसों के धांधली का इल्जाम लगा था, मगर साई बाबा के आशीर्वाद से इस मामले में बरी हुए। अब्दुल बाबा, 1890 के दरमियान नांदेड़ के अब्दुल बाबा शिरडी आए। पूरी जिंदगी भर उन्होंने द्वारका माई में सफाई करना, दिए लगाना, बाबा के कपड़े धोना,
इस प्रकार बाबा की सेवा की। बाबा साहेब तरखड़ 125 साल पहले के बायोलॉजी के बैचलर। बाबा साहब प्रार्थना समाज के विचारक थे। पत्नी के माइग्रेन की बीमारी से परेशान होकर 1910 में बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने जैसे ही तरखड़ जी के पत्नी के माथे पर उदी लगाई, उनकी बीमारी दूर हो गई। अमरावती के बैरिस्टर दादा साहेब खापरडे 1910 से 12 तक 5 बार शिरडी आए। साई बाबा के अनुभव उन्होंने अपने निजी डायरी में लिखे हैं। दादा साहेब खापरडे के 100 साल पहले सालाना 90,000 की आय थी। बाला साहेब भाटे बड़ौदा के चारवाकपंथी। बाला साहेब भाटे ने 1907 में पहली बार साई बाबा का दर्शन किया। बाला साहेब देव फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। देव साहब ने साई बाबा के निर्वाण के बाद पहली पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आराधना विधि किया। हरदा के छोटू भैया परुलेकर, राजू भैया नाइक, सदु भैया नाइक ने मिलकर साई बाबा को पालकी अर्पण की, मगर साई बाबा स्वयं कभी भी इस पालकी में नहीं बैठे, पैदल ही द्वारका माई से चावड़ी तक जाते थे। न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम तथा दादा साहेब अवस्थी और बाला साहेब रेगे ने साई बाबा को चढ़ावे के स्वरूप में कीमती लकड़ी का रथ अर्पण किया। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरे के पावन अवसर पर बाबा की प्रतिमा रख कर शिरडी ग्राम में जुलूस निकाला जाता है। दामोदर बाबरे चिंचनीकर। दामोदर जी ने 1937 में साई बाबा चावड़ी का पुनर्निर्माण किया और अपने आय का कुछ हिस्सा साई बाबा के नाम पर कर दिया। श्रीमंत गोपालराव बुटी। नागपुर के नवकोट नारायण गोपालराव बुटी बाबा के परम भक्त थे। बाबा की आज्ञा से उन्होंने शिरडी में 1917 में बुटी बाड़ा का निर्माण किया। आगे इसी बुटी बाड़े में 15 अक्टूबर 1918 के दिन साई बाबा के निर्वाण के बाद बाबा को समाधिस्थ किया गया। काका साहेब तथा हरी सीताराम दीक्षित उस जमाने के सॉलिसिटर। 1909 में काका साहेब पहली बार साई दरबार में पहुंचे। बाबा की अद्भुत शक्ति को देखकर उनके मुरीद हुए। भक्तों की सुविधा के लिए 1912 में गुरुस्थान मंदिर के सामने दीक्षित बाड़े का उन्होंने निर्माण किया। कृष्ण शास्त्री भीष्म। नागपुर के कृष्ण शास्त्री दादा साहेब खापरडे के साथ पहली बार शिरडी आए। बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने साई बाबा की आरतियां लिखी। 100 सालों से यही आरतियां साई मंदिर में गाई जाती है। माधवराव अड़कर। आरती साई बाबा सौख्य दाता रजीवा, ये आरती लिखी है माधव अड़कर जी ने। राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान। 910 में पहली बार मोरेश्वर प्रधान जी ने साई बाबा का साक्षात दर्शन किया। उस जमाने में बाबा द्वारका माई से लेंडीबाग घूमने जाते थे। वहाँ बाबा ने पेड़ पौधे लगाए थे। यही बाबा के चरण कमलों से पावन लेंडीबाग की जगह खरीदकर मोरेश प्रधान ने ट्रस्ट को अर्पण की। श्यामराव जयकर। मुंबई के जयकर जी उस जमाने के जाने माने चित्रकार थे। द्वारका माई में धुनी के सामने बाबा की लुभावनी प्रतिमा जयकर जी ने ही बनवाई है। नाना साहेब चांदोरकर उस जमाने के जिलाधिकारी। चांदोरकर ने 1892 में पहली बार प्रत्यक्ष साई बाबा का दर्शन किया। चांदोरकर संस्कृत के जानकार थे। बाबा ने भगवद गीता का एक श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्तो ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तव दर्शिनः। इस श्लोक का गहन अर्थ समझाकर उनके ज्ञान में वृद्धि की। नाना साहेब निमोणकर। नाना साहेब ने द्वारका माई की मरम्मत की और हर रामनवमी के अवसर पर केसरिया और हरे रंग का झंडा लगाने की परंपरा शुरू की। काका महाजनी। काका 100 साल पहले मुंबई के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य थे। 1910 में पहली बार साई बाबा के दर्शन उनको प्राप्त हुए। बाबा की आज्ञा से 1910 में रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव मनाया गया। उसमें काका महाजनी की भूमिका अहम थी। दादा साहेब पुरंदरे। दादा साहेब ने बाबा की पालकी रखने के लिए द्वारका माई में कमरा बनवाया। बाबा के परम भक्त बाला साहेब मिरीकर। अहमदनगर के बाला साहेब उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर थे।
राव बहादुर नाना साहेब धुमाल। नाना साहेब नासिक के जाने माने वकील थे। 1907 में उन्होंने पहली बार साई दर्शन किया। बाबा शिरडी में जिस घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, वहां जाकर नाना साहेब भिक्षा मांगकर सेवन करते थे। तात्या साहेब नुलकर। तात्या साहेब को 1909 में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा की आरती करने का परम भाग्य प्राप्त हुआ था। सगुण मेरू नाइक। गोवा के सगुण मेरू नाइक युवावस्था में ही 1912 में शिरडी आए। बाबा को खाना भी खिलवाते थे। पूरी जिंदगी भर उन्होंने बाबा की सेवा की। स्वामी शरणानंद। 1911 में स्वामी शरणानंद पहली बार शिरडी आए। उनका नाम वामनराव पटेल था, मगर उन्होंने 1953 में डाकोर में विधिवत संन्यास लिया और उनका नाम स्वामी शरणानंद हुआ। उन्होंने 7 अक्टूबर 1954 को बाबा के 36वें पुण्यतिथि के अवसर पर साई बाबा के इटालियन मार्बल के मनमोहक मूर्ति की प्रतिष्ठापना की। नरसिंह स्वामी। मद्रास के नरसिंह स्वामी हालांकि 1932 से 36 तक शिरडी रहे, मगर उन्होंने बाबा के परम भक्तों से बातचीत करके भक्तों के बाबा के साथ हुए साक्षात्कार किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखने का महान कार्य किया। राधाकृष्ण स्वामी। राधाकृष्ण स्वामी नरसिंह स्वामी के शिष्य थे। उन्होंने कर्नाटक में बाबा का जिंदगी भर प्रचार प्रसार किया। साई बाबा के अन्य परम भक्त महादेव सपटनेकर, उनकी पत्नी पार्वतीबाई सपटनेकर, डॉक्टर पिल्लई, लक्ष्मण मुंगी, नाना साहेब खारकर, श्री गाळवणकर, रामकृष्ण नवलकर, सुंदर राव नवलकर। साई बाबा के यह 53 परम भक्तों के अलावा सैकड़ों भक्तों को 100 साल पहले बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने का परम भाग्य मिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। शिरडी साई नगरी की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिरडी टुडे। धन्यवाद।